सर इतने वो दिक्कत है, माल भैंसी बकरी के दूध है, इतना दिक्कत हो रहा है खाने पीने का। अब उसको कहा माल भैंसी के सोने मार दे तो बात है। ना कुछ परेशानी भी खाना उना तो मिलते है, वह पानी या गोरे पछोरे गिल्ला या बकरी पटू के खाए के यहाँ सकते हैं नीचे तो लेके जाए के तो जा रहा ला तो ना आई ना जो बिहान जब बिहान जब हमारा गार्जियन के चलाना हुई थी तो कितना दिन से यहाँ पे हती 20 दिन से सरकार के द्वारा चला जा रहा था, भोजन वोजन सब मिलता था। नाम कथी भेल कहलिए ना रचका देवी। कौन सा पंच गांव है? गोसाईपुर। अभी हम मौजूद हैं कांटी प्रखंड के गोसाईपुर गांव में। लीची के लिए मशहूर ये इलाका है। लीची के बगीचे में ही गांव में बाढ़ ने जब प्रवेश कर लिया था तो ये लोग इसी बगीचे में शरण लिए हुए थे। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में धीरे धीरे कमी आने के बाद अब लोग वापस अपने गांव में जा रहे हैं। गांव के ही कुछ लोग यहां मौजूद है बगीचे में, इन्हीं से जानते हैं क्या स्थिति है गांव में अभी। अभी तो वो जिसका सूखा हुआ वो गया है, जिसका अभी दिक्कत है पहले तो से पानी कुछ कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है। कितने लोग यहां पे शरण लिए हुए थे आप लोग? अभी तो कम ही 200-300 आदमी थे यहां पे। 300 लोग। कितने लोग वापस गए हैं? करीब चल गया होगा 100 आदमी। 100 परिवारों ने वापस अपने गांव में शरण ले लिया है। धीरे धीरे लोग वापस जा रहे हैं। अभी भी गांव में पानी है क्या? अभी गांव में है पानी जी, अगल बगल में है पानी, खाली घर जागा हुआ है, उसमें घर में जाता है। तो घर जो बचा हुआ है वो लोग वापस चले गए? हाँ, घर जो बचा हुआ है ना उसमें वापस चला जा रहा है। वापस पानी के जाने से धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पे आ रही है और लोग वापस अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से NVT के लिए मैं संदीप कुमार।